दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन कौन सा है? बोइंग 747-400 या फिर ये एंटोनोव AN-225? बिल्कुल नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन अब है विंड रनर। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े प्लेन के तौर पर अब बहुत जल्द अपनी भूमिका अदा करने वाला है। ये बोइंग 747 से 12 गुना बड़ा है और इसके सामने एंटोनोव AN-225 भी बौना है, जो अब तक का सबसे भारी विमान था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत में ये नष्ट हो गया। ये है राडिया का विंड रनर। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। ऐसे में बड़े पवन चक्कियों यानी बड़े पवन टर्बाइन मानक टर्बाइनों की तुलना में अधिक बिजली पैदा करते हैं और इसीलिए अब इनकी मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके कंपोनेंट सड़क मार्ग से आसानी से कहीं भी नहीं जा सकते हैं, इस लिहाज से अब काफी बड़े विमान की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका के कोलोराडो बेस राडिया नाम के एक एनर्जी स्टार्टअप ने इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा है। राडिया ने विमानन इतिहास में सबसे बड़े विमान को विकसित करने का फैसला किया है और अब इस पर काम शुरू हो गया है। कंपनी जिस विंड रनर प्लेन को बना रही है उसका मिशन 300 फुट लंबे विशाल ब्लेडों को सीधे विंड फार्म्स तक ले जाना है। दुनिया को अपने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को पूरा करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। ये टिकाऊ विमानन ईंधन का उपयोग करेगा और इससे उतरने के लिए केवल एक साधारण पैक्ड डर्ट या फिर बजरी रनवे की आवश्यकता होगी। ये 6000 फीट यानी 1800 मीटर की हवाई पट्टी पर आसानी से उतर सकता है। एक न्यूज आउटलेट के मुताबिक राडिया का कहना है कि ये क्षेत्र केंद्रों से संचालित होगा और जहां जरूरत होगी वहां सेवा दे सकता है। इस विमान के लिए कुछ भी असंभव जैसा नहीं है। इस विमान की खूबियों की बात करें तो विंड रनर के पास 272,000 क्यूबिक फीट कार्गो इसमें आ जाएगा और इतना बड़ा वॉल्यूम इसमें है जो 3 ओलंपिक स्विमिंग पूलों को रखने के लिए पर्याप्त है और ये 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। जहां तक पंखों के फैलाव की बात करें तो ये विमान 356 फीट के विस्तार के साथ 127 फीट लंबा भी है। जहां तक पंखों के फैलाव की बात करें तो वो 261 फीट है, यानी इसके सामने एंटोनोव AN-225 भी बौना है। राडिया के मुताबिक वो मौजूदा टेक्नोलॉजी और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वो आजमाई हुई सही विमानन सामग्री और निर्माण तकनीकों का उपयोग कर रही है जिनके पास FAA यानी US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी है। कंपनी चाहती है कि अच्छी तरह से निर्मित बेड़े के साथ वो जमीन पर उतरे जो एयरोस्पेस उद्योग के मानकों को पूरा करता हो। इसे साल 2027 तक ऑपरेशन करने की तैयारी में राडिया लगी हुई है। हालांकि राडिया की वेबसाइट पर इसकी लॉन्च की तारीख नहीं दी गई है। ऐसे में इस बात पर काफी अटकलें हैं कि आखिर कब तक विंड रनर को लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में अगर ये विमान जब उतरेगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान होगा जो कि सिर्फ विंड टर्बाइन्स के लिए बनाया गया है। इतना बड़ा विमान आज से पहले कभी नहीं बना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।